हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल राजथोरी तो आज हम देखेंगे क्लास सेकंड के सब्जेक्ट गणित की क्विज का सॉल्यूशन तो चलिए शुरू करते हैं इस सॉल्यूशन को दिया गया क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू ब्लैंक फोर वन टू थ्री फोर के खाली स्थान को भरिए तो आपको पता चल रहा होगा जब हम इस पैटर्न को पढ़ते हैं तो यहाँ कंटिन्यूसली आ रहा है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर तो यहाँ जो ब्लैंक है उसमें क्या आ जाएगा थ्री वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर तो यहाँ रिपीट हो रहा है वन टू थ्री फोर तो यहाँ ब्लैंक में जो आएगा वो आएगा थ्री तो यहाँ ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न थ्री ब्लैंक सेवन थ्री फाइव सेवन थ्री फाइव सेवन में लुप्त पद क्या होगा तो हम इस पैटर्न में देख रहे हैं पहले तो ब्लैंक दे रखा है तीन के बाद बट अगेन दे रखा है तीन पांच सात तीन पांच सात तो यहां जो ब्लैंक में होगा वो आएगा पांच पांच सात सात का पैटर्न है ये तो यहां ब्लैंक में पांच आएगा तो हम यहां ऑप्शन सेकंड को करेक्ट कर देंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न टू फोर सिक्स एट टेन टू फोर सिक्स ब्लैंक टेन लुप्त पद क्या होगा तो यहां पैटर्न हमें गिवन कर रहा है ऑलरेडी टू फोर सिक्स एट टेन टू फोर सिक्स तो यहां सिक्स के बाद में अगेन एट आ जाएगा टू फोर सिक्स एट टेन हो जाएगा तो यहां ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा यहां ब्लैंक में आएगा एट यानी आठ दो चार छ आठ दस का पैटर्न है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है वन टू थ्री टू थ्री फोर थ्री फोर फाइव ब्लैंक फाइव सिक्स सेवन तो यहाँ खाली डिब्बे में क्या आएगा पूछा है हमें तो यहाँ हम देख रहे हैं वन के बाद टू टू के बाद थ्री यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ दे रखा है फाइव तो यहाँ आएगा फोर टू के बाद थ्री थ्री के बाद फोर फोर के बाद क्या आ जाएगा फाइव के बाद में क्या जाएगा? तो आ जाएगा सिक्स तो यहाँ फाइव आ जाएगा यहाँ दे रखा है थ्री फोर फाइव यहाँ ऑलरेडी क्या आ जाएगा सिक्स देन आ जाएगा सेवन तो यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री फोर फाइव इस तरह से पैटर्न बन रहा है तो यहाँ फोर फाइव सिक्स आ जाएगा जब हम करेंगे तो इससे तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा फोर फाइव सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ आकृतियां दे रखी हैं तो यहाँ सबसे पहले गोलाकार आकृति हैं देन वर्गाकार देन त्रिभुज देन वर्गा देन गोलाकार तो यहाँ पैटर्न दे रखा है गोलाकार वर्गाकार त्रिभुज गोलाकार वगाकर त्रिभुज इस तरह से पैटर्न बन जाएगा तो यहां जो शेप है दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखें और पूरा करें तो यहाँ शेप जो आएगी वो आएगी गोलाकार यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा गोलाकार आकृति आ जाएगी तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है यहां पैटर्न दे रखा है पहले कुछ इस, आम, फॉर्म दे रखी है देन त्रिभुज की फॉर्म दे रखी है देन स्टार की फॉर्म दे रखी है वापस क्या आ जाएगी चौकोर फॉर्म आ जाएगी तो यहाँ एक चौकोर गायब है तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट कर देंगे फर्स्ट वाली जो आकृति है वो आ जाएगी यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है गोलाकार आकृति देन स्टार देन चौकोर आकृति दे रखी है देन क्या आ जाएगा प्लैंक कर रखा है देन स्टार देन चौकोर आकृति देन गोलाकार स्टार चौकोर तो यहाँ गोलाकार स्टार चौकोर की आकृति की पैटर्न दे रखा है तो यहाँ ब्लैंक में क्या आ जाएगा गोलाकार आकृति सेकेंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे गोलाकार आकृति यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ फूलों की शेप दे रखी है यहाँ सबसे पहले तीन लीव्स दे रखी है देन छह लीव्स दे रखी है देन दे रखी है, दे है, दे है नौ लीव्स अगला हमें बताना है कि अगला क्या आएगा तो तीन छ नौ तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा ये वाला पैटर्न आ जाएगा जिसमें कितनी लीव्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व तीन एक कम तीन तीन दूनी छः तीन तिया नौ तीन चौक बारह यहाँ बारह वाला जो लीव्स है वो आ जाएगा तो यहाँ यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ यहाँ ऑप्शन फोर्थ को करेक्ट कर देंगे तो ये था क्लास सेकंड की सब्जेक्ट गणित की कॉन्विचिनियस क्विज़ का कंप्लीट सॉल्यूशन। हम इसी तरह से अन्य क्विज़ को भी समझेंगे तो जुड़े रहिए स्कूल राज स्टोरी चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद